बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी आने वाली फिल्म को लेकर अपने कैरेक्टर में बिल्कुल रम गए हैं। आने वाली फिल्म 84 से पहले वो क्रिकेट जगत को पूरी तरह से जी रहे हैं। हाल ही में भारत पाकिस्तान के मैच के दौरान क्रिकेट मैदान पर दिखाई दिए, उन्होंने कमेंट्री भी की और कई बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें भी शेयर की। वहीं इन्हीं में से एक तस्वीर ऐसी थी जिसके लिए रणवीर सिंह को ट्विटर पर WWE की एक जानी मानी शख्सियत से खरी खोटी सुननी पड़ गई। रणवीर पर चोरी का आरोप लग गया और उनके ट्विटर पर बुरी तरह से फजीहत हो गई। दरअसल रणवीर सिंह ने कई तस्वीरों के साथ साथ हार्दिक पांड्या के साथ भी एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, ईट स्लीप डोमिनेट रिपीट, द नेम इज हार्दिक, हार्दिक पांड्या। रणवीर के इस कैप्शन से WWE के मशहूर रेसलर पॉल हेमन नाराज हो गए और गुस्से में आकर रणवीर की ट्विटर पर खबर ले ली। हेमन को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि ईट स्लीप डोमिनेट रिपीट फ्रेज का इस्तेमाल तब होता है जब हेमन रिंग में एंट्री लेते हैं। हेमन मानते हैं कि इस फ्रेज पर उनका कॉपीराइट है। रणवीर के ट्वीट को शेयर करते हुए हेमन ने रणवीर को ट्वीट के जरिए इसका जवाब भी दिया, यानी कि हेमन ने रणवीर पर कॉपीराइट के तहत चोरी का इल्जाम लगा दिया। हालांकि ये सब सिर्फ मजाक ही था, इससे पहले भी वो कई बार ट्विटर पर अपने इस फ्रेज को लेकर बात कर चुके हैं। इस मामले को लेकर अभी तक रणवीर का कोई जवाब नहीं आया। ये देखना दिलचस्प होगा कि हेमन के इस मजाक या ट्वीट पर रणवीर क्या बोलते हैं। फिलहाल तो रणवीर पूरी तरह कपिल देव बनने की तैयारी में हैं और उनके साथ नजर आ रही हैं उनकी दीपिका, जो कपिल देव की पत्नी रोमी के रोल में दिखेंगी।